राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में दो चरणों की सियासी जंग अब बहुत स्वाभाविक है खत्म हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल यानी ठीक दो दिन बाद चुनाव होना है। उसके पहले हमारी ये एक खास रिपोर्ट है, जरूर देखिए आप। 2019 की हुकूमत के लिए सत्ता का रण अब तीसरे चरण में है। देश की कई वीआईपी सीटों में तीसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए सियासी दल जुबानी तीर के साथ जातीय मोहरों की बिसात बिछा चुके हैं। रायसीन हिल्स के रास्ते संसद की गद्दी तक पहुंचने के लिए यूपी में सियासी घमासान अपने चरम पर है। पहले और दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी जाति और धर्म की सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जिसके बल पर सियासी पार्टियां पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब सजा रही हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। इस चरण में समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे को सियासी इम्तिहान से गुजरना है। सूबे की जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां गठबंधन के तहत 9 सीटों पर सपा मैदान में है और महज एक सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। इस चरण में पूरी तरह से अखिलेश यादव बनाम नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका फैसला जनता को करना है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सियासी दलों के नेता अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। सियासी दल जातीय समीकरण को साधने के साथ धर्म की सियासत को चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता की कुर्सी पर फतेह पाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के रण में गठबंधन की मजबूती के साथ पारिवारिक रिश्तों की परख भी होगी। मुलायम सिंह यादव, संतोष गंगवार, आजम खान, जया प्रदा, वरुण गांधी, शफीक उर रहमान व शिवपाल यादव जैसे दिग्गजों का इस चरण में इम्तिहान होना है। SP-BSP गठबंधन और बीजेपी के साथ कांग्रेस की कई सीटों पर दमदार मौजूदगी से मुकाबले रोचक हो गए हैं। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले रामपुर में मुकाबला बेहद दिलचस्प व कड़ा है, जहां सपा के पूर्व मंत्री आजम खान और बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा के बीच सीधी टक्कर पर सबकी नजरें हैं। तो यादव परिवार के गढ़ मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सामने बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य मैदान में है। कांग्रेस ने मुलायम सिंह को वॉकओवर दिया है। फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र यादव कुनबे की आंतरिक कलह का कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जहां जाति समीकरण को साधकर बागी हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। तीसरे चरण के सियासी जंग में कुल 120 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 1.76 करोड़ है, जिनमें 95.5 लाख पुरुष, 80.9 लाख महिला और 983 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। 18 से 19 साल की उम्र वाले 2,98,619 मतदाता हैं। तो वहीं 80 साल से अधिक के मतदाताओं की संख्या 2,99,871 है, जो कांग्रेस, बीजेपी और गठबंधन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके लिए सियासी पार्टियां जोर कस रही हैं। जाति समीकरण से हटकर नेता अब ध्रुवीकरण के बिसात पर जीत का परचम बुलंद करने का ख्वाब देख रहे हैं। जीत हार की सियासी गणित में 2019 की धर्म और जाति की धुरी पर टिक चुकी है। मुरादाबाद में सीएम योगी की चुनावी रैली में विरोधियों पर छोड़े गए शब्द बाण इस बात की तस्दीक भी करते हैं, जो तीसरे चरण की लड़ाई को और पैनी धार दे रहे हैं। संभल में माता केला देवी के मंदिर में गया था दर्शन करने के लिए। मुझे वहां के महंत जी मिले, उन्होंने, स्वामी जी ने मुझे बताया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संभल का आया था, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गया। उसने कहा कि नहीं, ये हमारे मजहब के विरुद्ध है, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। विकास की राजनीति से हटकर सियासी जंग अब जाति धर्म पर थम चुकी है। 10 सीटों पर होने वाले तीसरे चरण के संग्राम में किसकी शह और किसकी मात होगी, यह आने वाली 23 अप्रैल की तारीख तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में भारतीय